आपको देने के लिए मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। ओके, व्हाट्स दैट? आई एम प्रेग्नेंट। रियली? आर यू सीरियस राइट नाउ? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है तुमने मुझे। रोहान, क्या हुआ बेटा? खुद को संभालो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मामा? मैं क्यों जिंदा बच गया? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। हौसला रखो, सब्र करो। सब्र ही तो नहीं होता ना मामा, सुकून नहीं मिलता मेरे दिल को। और सुकून से मैं बैठूंगा भी नहीं जब तक मैं उसके कसूरवार को ढूंढ नहीं लेता, उसे सजा नहीं देता। जी बाबा। रूमी बेटा कहाँ हो? बाबा वो बच्ची के लिए कुछ सामान लेना था तो स्टोर पे आई हूँ। कहिए, कोई काम है क्या? अरे बेटा, आज से पहले तुम बगैर बताए कभी घर से नहीं गई। तुम्हें पता है तुम्हें सुबह से घर में ना पाकर हम कितने परेशान हैं? बाबा अभी तो आई हूँ, 10-15 मिनट ही हुए हैं मुझे। ये सुंदर तो कह रही थी तुम सुबह से गायब हो। भाभी भी ना, पता नहीं क्या मसला उनको मुझसे, छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना देती है। अच्छा मैं आ रही हूँ। अच्छा जल्दी आओ ना। क्या हुआ, कहाँ है वो? अरे ये करीब में सुपर स्टोर गई है, अभी आ जाए। पापा ऐसी हालत में जबकि वो खुद जख्मी है। ओहो, मेरी तो बर्दाश्त जवाब देती जा रही है, ऊपर से ये चुप ही नहीं हो रही है, क्या करूं? अरे आने तो दो, तुम खामखा अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो। खामखा? ये ले पकड़े, चुप कर आए इसे, ये ले। पता नहीं कौन से बदले ले रही है ये दीदी हमसे। सदमे की वजह से उसकी हालत बहुत खराब है, सबा को याद कर करके रो रहा है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है माँ। तो मैं क्या करूँ, आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? क्या हो गया तुम्हें माँ? इतनी संगल हो गई हो? वो भाई है तुम्हारा, इस वक्त उसे हमारी जरूरत है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस भाई ने मेरी जिंदगी गमों से भर दी, आप चाहती है कि मैं उसका गम बांटूं, उसे इस सदमे से निकलने में मदद दूं? मैं उससे इतनी नफरत करती हूं कि मैं झूठी हमदर्दी नहीं दिखा सकती, और मैं तो दुआ करूंगी कि वो सारी जिंदगी इसी तरह तड़पता रहे, ताकि उसे भी तो एहसास हो कि जब किसी की मोहब्बत छिनती है ना तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा। एक काम करो, मीटिंग कैंसिल कर दो। ओए ओए, अरे शुक्र है बेटा तुम आ गई। बाबा संभालो इसे, रो रो के इससे बुरा हाल किया मैं। ये क्या हो गया? I'm so sorry बाबा, मुझे क्या मालूम था कि मेरे जाने के बाद इतना बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, जबकि मुझे तो अभी गए हुए मुश्किल से घंटा भी नहीं हुआ था।
भी हर्ट करती है। अगर मैं घर में नहीं मिली तो कम से कम आप उससे फोन तो करके पूछ सकती थी। ऐसे कैसे समझ गए आपने कि मैं घर छोड़ के भाग गई हूँ? ए, मेरी बात सुनो, ये बुरी तरह से रो रही थी, समझ आई ना? और तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा था भाई, मैं परेशान हो गई। रह गई बात तमाशे की, तो मैंने कौन सा तमाशा किया है? अपना इल्जाम मेरे सर मत थोपो, गलती तुम्हारी है। मैंने आज तक इस घर में कोई हंगामा नहीं किया, बताओ कब किया? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अरे बस बेहतर होगा कि तुम तो खामोशी रहो। अरे तुम्हारा तो काम है मनमानियां करना, मसाइल खड़े करना। हद तो ये है कि तुम्हें तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। पहले तुमने क्रिकेट का तमाशा बना रखा था, अब ये लावारिस बच्ची उठा के ले आई। बात को यहीं खत्म करो, जाओ अपने कमरे। सुंदर सुना नहीं तुमने बाबा ने क्या कहा? अंदर जाओ। नहीं असद, मैं आज खामोश नहीं रहूंगी, आज मैं बोलूंगी, क्योंकि आप लोगों के लाड प्यार नहीं इसको इतना जिद्दी और खुद सर कर रखा है। वरना इससे कोई पूछे तो सही, इसका ताल्लुक क्या है इस लावारिस बच्ची से, जिसके लिए इसने पूरे खानदान से दुश्मनी मोल ले रखी है। अरे घर में कोई कामकाज करना हो तो टांग में इंजरी का बहाना होता है, लेकिन इसके लिए तो ये मैडम सब कुछ करने के लिए तैयार है। हद तो ये हो गई कि अब तो इसके लिए शॉपिंग भी करने लग गई है। इसे साफ जाहिर होता है ना कि रूमी ने इसको सारी जिंदगी के लिए पालने का ठेका ले लिया है, है ना? भाभी अब आप जरूरत से ज्यादा बोल रही हैं। रूमी चुप कर जाओ, और बहू बात को तूल देने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने कमरे में। माफ कीजिएगा अंकल, मैं तो बोलूंगी और हजार बार बोलूंगी, क्योंकि रूमी मेरे भाई कामिल की मंगेतर है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको इसकी गलत हरकतों पर रोकूं टोकूं, क्योंकि मैडम को खुद तो शर्म आती नहीं है और ना ही इन्होंने किसी को जवाब देना है। लेकिन क्या करें भाई, दुनिया को मुंह तो हमने दिखाना है ना, लेकिन तो फर्क नहीं पड़ता किसी बात से। होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। ठीक है जी, मैंने आपके बयान ले लिया, इससे काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि दरअसल वो हादसा हुआ कैसे था। आप एक काम कीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। आप बेफिक्र रहे, हमारी तफ्तीश जारी है, बहुत जल्द उस मुजरिम तक पहुंच जाएंगे। मुझे आपसे उम्मीद भी यही है, और इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। अरे नहीं साहब, हमें ऊपर जवाब देना होता है, हमें सिर्फ आपका तावन दरकार है और कुछ नहीं। वैसे रान साहब, एक छोटी सी बात थी, हमें जाए हादसा से सबूत मिला है, एक कीमती घड़ी है, क्या आपकी तो नहीं है? नहीं अर्शाद साहब, घड़ी मेरी नहीं है और ना ही मेरी वाइफ। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये घड़ी उसी मुजरिम की है जो जाए हादसा पे एक्सीडेंट करके फरार हो गया। तो मेरी बात बहुत हो गया असद, हर चीज की हद होती है असद। मैं घर में रोज रोज की ड्रामेबाजी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, मैं अपने बच्चे लेकर मैके जा रही हूँ। सुंदर तुम ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो, घर में सब मसले का हल ढूंढ रहे ना, तुम्हें घर छोड़कर जाने की क्या तुक बनती है? आप लोगों ने जो मसले का हल निकाला है वो माना है उसने? नहीं ना, ना वो बच्चा यतीम खाने देने पर राजी है और ना उस बच्चे को इस घर से निकालने पर राजी है। बस बहाने बनाकर उसने इस घर में रखा हुआ है उसे। अरे कोई फिक्र है इस लड़की को कि इसकी शादी होने वाली है? नहीं ना, उसको तो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की फिक्र है। आपने कभी सुना है किसी गैर शादीशुदा लड़की ने यूं कोई बच्चा गोद ले लिया हो? अरे कभी कहीं से सुनाई दिया आपको कि गैर शादीशुदा कवारी लड़की ने एक लावारिस राज चलता बच्चा गोद ले लिया हो? सुंदर तुम्हारी हर बात सही है, मगर रोमी हमेशा के लिए। अरे बस कर दे, आप तो असद सिर्फ और सिर्फ बातें करते रहते हैं। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं और मेरे बच्चे इस घर से जा रहे हैं, या तो इस घर में हम रहेंगे या फिर वो लावारिस बच्ची रहेगी। चलो बच्चों। सुंदस बहुत हो गया, सुंदस सुंदस सुंदस, बस खड़े होकर यही करते रहा कीजिए, बहन को कुछ मत कहना। चलो भाई आगे लोगो, उठाओ अपने बैग। हर बात पर सुंदस, हर बात पर सुंदस। हाँ, 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 हाँ,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामिल। वालेकुम अस्सलाम, क्यों फोन किया? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन बात तो करें ना मुझसे। क्या बात करूँ, तुमने जो कारनामा सर अंजाम देना था दे दिया। एक बार भी जहमत नहीं की कि मुझसे डिस्कस कर लो। क्यों डिस्कस करोगे मुझसे तुम? मैं तुम्हारा लगता क्या हूँ? आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने उस दिन आपको बताने के लिए ही फोन किया था, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। मैं नहीं जानती कि इस मासूम बच्ची को इस घर में लाकर मैंने गलती की है या नहीं, लेकिन मेरी नीयत साफ है कामिल। आप तो मुझे ऐसे ताने दे रहे हैं जैसे इस मासूम को इस घर में लाकर मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। कम से कम आप तो मुझ पे एतबार करें। तुम्ही अब जो बात होगी सबके सामने होगी। उस्ताद फिट है ना? हाँ। और अब तो कभी पकड़ाई भी नहीं होगी, किससे कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था? क्यों बकवास कर रहे हो तुम? अल्लाह ना करे, पकड़ो मेरे पैसे। चाबी दो। बाबा बाबा, मैं इसे समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन ये है कि रट लगा के बैठी हुई, या तो इस घर में वो बच्ची रहेगी या फिर ये। सुंदर साखर, इसमें इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? इस घर का मसला है, इस घर में रह के भी हल किया जा सकता है। बहू, यूं घर छोड़कर जाना कहां की अकलमंदी है? अपना सामान लेकर कमरे में जाओ। चलो बच्चों, तुम भी अपने कमरे में जाओ। नहीं, बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे। मैंने कहा ना कि अपने कमरे में जाओ। आखिर तुमने ये क्या जिद पकड़ रखी? इस बच्ची की वजह से तो हम सब घर वाले परेशान हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सब लोग घर छोड़ के चले जाएं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप ही मुझे बता दीजिए कि जब मेरे बच्चे रूमी की ये दीदा दलेरी और बेशर्मी देखते हैं तो वो क्या सीखते हैं? जब आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी घर वापस आ जाऊंगी। चलो सिर्फ एक घड़ी की मदद से मुजरिम का पता लगाना काफी मुश्किल है। कुछ भी हो रही चाचा, आपको हर सूरत उस मुजरिम का सुराग लगाना। वैसे मुझे उसकी गाड़ी का नंबर भी कुछ कुछ याद है। अरे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या नंबर है? जितना याद था उतना लिख दिया। मगर ये तो आधा नंबर है, बल्कि सब डिजिट से ही। तो आधे नंबर से मुजरिम को पकड़ना नामुमकिन हो जाए। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाना आपका काम है शाह साहब। मुझे लगता है रवान साहब आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। खैर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट इंसाफ मिल सके। पिशाद साहब, एक घड़ी मैं रख सकता हूं? हो सकता है इस घड़ी की वजह से मुझे कुछ याद आ जाए। वैसे रवान साहब, सबूत का कानून की तहवील में रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आप चाहते हैं रखना तो आप रख लें, मगर बहुत एहतियात से, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू। आप प्लीज परेशान ना हो, आप ये लीजिए पानी पीजिए। नहीं पीना है मुझे पानी। आज तक हमने इस घर में कोई ऐसी बात नहीं होने दी जो तुम्हारी बीवी को बुरी लगे। हर तरह से उसका ख्याल रखा है, पर आज सिर्फ रूमी की वजह से वो मुझे हजार बातें सुना के चली गई। मैं जाने के बावजूद उसे रोक नहीं सकी।
मगर इसका ये मतलब नहीं है कि रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लो। चुप हो जाओ प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगी सुंदस वापस। हाँ अमीन, अमीन मैं सुंदस को खुद लेकर आऊंगा, आप पानी पी लीजिए प्लीज। लीजिए। रहमान इसे कहे मेरी नजरों से दूर चली जाए और आइंदा मुझे शक्ल ना दिखाए अपनी। इस घर में आज सिर्फ इसकी वजह से तमाशे हो रहे हैं। मगर बाजी हुआ क्या है? तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। ये बताओ कि अम्मी और कामिल कब आएंगे? पता नहीं, डॉक्टर के पास गए थे। कामिल भाई की 3-4 दिन से तबीयत बहुत खराब है। कामिल को भी अब ही बीमार होना था। अम्मी मुझे घर जाना है। करके बैठ, घर जाना है घर जाना है। निदा, समीर आओ मेरे साथ, तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाती हूँ। आओ। अरे सुंदस, तुम कब आई? बस अम्मी अभी आई हूँ, थोड़ी देरी हुई है, आप ही का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ बाजी, सब खैरियत? तुम मुझसे बात ही मत करो, तुम्हारी चहीती वहाँ पर मुंह काला करती फिर रही है और तुम यहाँ पर बीमार मुंह छुपाए पड़े हो। अरे क्या हो गया, अब क्यों मुंह में आग लिए बैठी हो? ससुराल छोड़ आई हूँ और वो भी बच्चों समेत। क्या? जी हाँ अम्मी, और मैं बोल कर आई हूँ कि जब तक ये लावारिस बच्ची यहाँ से दफा नहीं हो जाती ना, मैं घर आने वाली नहीं। बाजी क्या गजब कर दिया। अरे तुम्हारी अकल ठिकाने है या नहीं? हमारे इंतजार कर लेती बेसब्री, हम तो आने वाले थे वहाँ। बस ठीक है अम्मी, जो मुझे ठीक लगा ना मैंने कर लिया। आप लोगों को जाना है तो शौक से जाएं, चलो कम से कम इसी बहाने उन पर प्रेशर तो बिल्डअप होगा ना। क्यों कर रही हूँ मैं ये सब और किसके लिए? क्यों इसकी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी में दुख भर रही? अम्मी भाई कामिल सभी ये कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ। एक मासूम को डर बदर भटकने से बचाना क्या वाकई गलत है? इन सवालों के जवाब नहीं जानती मैं, तो बस इतना जानती हूं कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तूने इस मासूम को मुझ तक पहुंचाया, मेरी मुश्किलें आसान कर दे ताकि मैं इसे इसके घर वालों तक पहुंचा सकूं। शगुफ्ता बहन, बात तो कुछ भी नहीं है, बस सुंदर चाहती थी कि वो बच्ची इस घर में ना रहे, बस इसी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। रहमान भाई, सुंदस ने मुझे सारी रोदात सुना दी, मगर यहाँ अपनी नहीं आपकी बेटी की बात करने आए। शादी सर पर खड़ी है और रूमी ने एक लावारिस बच्ची को घर लाने का इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? अगर हमदर्दी का इतना ही शौक था तो कम से कम हमसे इजाजत तो लेती। अंकल, रूमी अगर मुझे एतमाद में लेती तो मैं बच्चा गोद लेने के लिए कभी भी मना ना करता। इनफैक्ट मैंने तो हमेशा रूमी की हर बात मानी, तो उसने इतना बड़ा कदम मुझसे पूछे बगैर कैसे उठा लिया अंकल? कामिल, दरअसल हम नहीं चाहते थे कि आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, शायद इसीलिए रूमी ने भी ये बात आप लोगों से छुपाई। रूमी ने अकेले ये कदम नहीं उठाया, कम से कम मेरी इजाजत उसमें शामिल है।
वैसे भी आप लोगों को नाराज होने की बजाय रूमी की नीयत को देखना चाहिए। वो कौन सी सारी उम्र के लिए उसे गोद ले रही है? वो तो सिर्फ ये चाहती है कि उसके माँ बाप मिल जाएं, बस इतनी सी बात। अंकल मैं आपकी बात समझता हूँ, मगर माफ कीजिएगा रहमान भाई, आपके लिए इतनी सी बात होगी मगर हमारे लिए नहीं। रूमी हमारे घर की होने वाली बहू है और उसके हर अमल के साथ हमारे खानदान और इज्जत का नाम भी जुड़ा हुआ है। आपने उसे क्रिकेटर बनाया, हमने उफ तक नहीं की। जवान जहान मंगनी शुदा लड़की 6 महीने के बजाय 8 महीने किसी अनजान जगह अकेली गुजार कर आई, हमने कड़वा घूंट समझ कर पी लिया। शादी इतनी बार कैंसिल हुई मगर हम बर्दाश्त करते रहे, मगर अब नहीं, अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। शगुफ्ता तुम्हारा गुस्सा जायज है, यही सब बातें तो मैं भी लाला 100 बातों की, हमें अब कुछ नहीं सुनना। हमें रूमी की हद से बढ़ती हुई बेबाकी और दिलेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलो शादीशुदा होती तो हम मान भी लेते, मगर ये कुंवारी होकर बच्ची को ऐसे गोद में ले फिरती जैसे उसकी माँ हो। बात जरा कड़वी है मगर खुद सोचिए रहमान साहब, दुनिया इस तरह रूमी को देखकर कुंवारी माँ कहकर नहीं बुलाएगी। शगुफ्ता मैं, अगर हम आपकी बातें खामोशी से सुन रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मुंह में जो आए वो कह दें। आप ये क्या कह रही हैं? प्लीज तुम चुप करो कामिल। भाई साहब मुझे कोई हक नहीं कि मैं रूमी की किसी गलती पर से कुछ कह सकूं। क्यों हक नहीं है शगुफ्ता? जैसे रूमी हमारी बेटी है वैसे तुम्हारी भी बेटी है। तुम उसे डांट सकती हो, उसकी गलती पे उसे समझा सकती हो, लेकिन मेरी बेटी ने एक नेकी करके अगर कोई गलती कर ही दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उसे कुंवारी माँ कहो, उसके कैरेक्टर पे और उसकी इज्जत पे कीचड़ उछालो। वैसे शगुफ्ता बहन, आपकी जबान पर ऐसे अल्फाज जेब नहीं देते। अंकल अम्मी ने जो कुछ कहा है गुस्से में कहा है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अब मसले का कोई हल तो निकालना है ना। इस तरह हम आपस में उलझते रहेंगे तो मसला और बिगड़ता जाएगा। अंकल देखो, मसले का सिर्फ ये हल है कि रूमी को कुछ वक्त दिया जाए। मुझे अल्लाह पर यकीन है कि बहुत जल्द उस बच्ची के माँ बाप मिल जाएंगे। ठीक है, हमने मान ली आपकी बात, हमने आपको मोहलत दी ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हमने मोहलत नहीं दी। रूमी के पास 1 हफ्ता है, शादी से पहले जितनी जल्दी हो सके उस बच्ची से छुटकारा हासिल कर ले, यही उसके हक में बेहतर है। चलो कामिल। शादीशुदा होती तो हम मान भी लेते, मगर ये कुंवारी होकर बच्ची को ऐसे गोद में ले फिरती जैसे उसकी माँ हो। दुनिया इस तरह रोने को देखकर कुंवारी माँ कहकर नहीं बुलाएगी। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रही हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको वहाँ वो कुंवारी माँ वाली बात नहीं करनी चाहिए। तो सच कहा है ना मैंने, मैं तो आज ये किस्सा खत्म करा दी, तुम्हारा सोच कर रुक गई मैं। किस्सा खत्म करने से क्या मुराद है? रहने दो, तुमसे तो ये भी नहीं हुआ कि उठकर रूमी को 2-4 बातें सुना दे। तुम्हारी वजह से उसकी ओछी हरकतें सहरियों में। आप एटलीस्ट रूमी को एक मौका दो दे, प्लीज। क्रिकेट के जाने के वक्त भी तुमने यही कहा था कि एक मौका दे, जाने दे, नाकाम होकर लौट आएगी। हुआ क्या? उल्टा एक लावारिस बच्ची को कंधे पर लेकर लौट आई। तुम्हारा सोचकर 1 हफ्ते की मोहलत दी है मैंने तुम्हें, और क्या करूं महारानी के लिए जब देखो उसकी तरफदारी शुरू कर देते हो।
कामे क्या कर रहे हो? कैसे गाड़ी चला रहे हो? क्या कर रहे हो? नशे में हो क्या? क्या हरकत है ये? जी जिम कामे मैं तुमसे कह रही हूँ। कुछ भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो रही है, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है। बेटा कोई तो परेशानी है तुम्हें, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी हालत देख रही हूँ, कोई बात तुम मुझसे छुपा रहे हो? बोलो। मम्मी वो कुछ दिन पहले मेरे हाथों की एक्सीडेंट हो गया और उसमें एक प्रेग्नेंट औरत भी थी जो मुझे लगता है मर गई है। क्या? क्या हो गया है लैला? क्यों रो रो के अपनी तबीयत खराब कर रही है? हो जाने दे मेरी तबीयत खराब। अपनी बेटी के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनने से तो बेहतर था कि मुझे मौत आ जाती। लैला कहा था ना मैंने आपसे, वार्न किया था ना, देख ले वही। पहले सुंदस इतनी बातें सुनाकर चली गई हमें और उसके बाद उसकी माँ आ गई धमकाने के लिए। आज हमारी बेटी के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। क्या क्या कुछ कहकर उसको बदनाम किया जा रहा है और आप कह रहे हैं बर्दाश्त करूं? मैं कितना बर्दाश्त करूं? कितना? जब तुम जानती हो कि रूमी की नीयत सच्ची है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, तो हम दुनिया की बातों पर अपना दिल क्यों दुखाएं? दुनिया जो कहती है उन्हें कहने दो, जो समझती है उन्हें समझने दो। हमें अपनी औलाद पर भरोसा होना चाहिए। आपकी इसी बेजा हिमायत ने ये दिन दिखाए। क्यों नहीं समझते कि इस बच्ची की वजह से हमारी रूमी सारी जिंदगी बैठी रह जाएगी घर में? तुम खामखा उल्टी बातें क्यों सोच रही हो? मैं कह रहा हूं कि ओ मेरे खुदा, क्या वो मर गई? कंफर्म नहीं हुआ लेकिन मुझे बार बार नजर आती है, मुझे लगता है वो मर गई है। क्या हो गया? इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी? मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ है। बेटा तुमने मुझे भी बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझसे क्यों छुपाई? डर गया था मैं। कभी आपकी कसम ये जानबूझ के नहीं किया मैंने। मैं तो रूमी से फोन पे बात कर रहा था, मुझे क्या पता था मेरे हाथ से मोबाइल गिरेगा और ये एक्सीडेंट हो जाएगा। रूमी 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 तबा, मुझे लगता है ये लड़की तुम्हें पागल कर देगी। अगर तुम्हें पुलिस धर लेती तो और किसी को ये एक्सीडेंट का पता तो नहीं है ना? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? ये मैं फौरन भाग गया था वहां से, आपके अलावा किसी को नहीं पता था। ये अच्छा किया तुमने। वो औरत कौन थी? उसका शोर कुछ जानती हो? Hey guys, I'm good. Meet my wife, Saba. Saba, your groom, your fiance, Kamal. Assalam. वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से। रोहान और उसकी बीवी के बारे में मम्मी को नहीं बताना चाहिए। अगर कभी गलती से उनके मुंह से बात निकल गई मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। नहीं अम्मी, मैं नहीं जानता वो औरत कौन थी और वो उसका शौहर कौन था। प्लीज अम्मी, ये बात किसी को ना पता चले वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पागल हुए क्या? ये राज दफा नहीं रहे इससे मैं तुम्हारी भलाई है। खैर तुम टेंशन मत लो, शायद सदमे की वजह से तुम्हें औरत दिखाई दे रही है, इसका बंदोबस्त करती हूँ। चलो देर हो रही है, चलो। बहुत तंग किया ना आप लोगों को।
ये ले बाबा, ले जाए इसे, जिसे देना चाहे दे दे। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही कि मैं अपनी बदनामी से डर गई, बल्कि सिर्फ इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बच्ची के इस घर में रहने से मजीद आप लोगों को कोई दुख या तकलीफ पहुंचे। ये ले बाबा, मैं खुदा की जमानत को मजीद नहीं संभाल सकती, इसके लिए माफी मांग लूंगी अपने अल्लाह से। क्या सोच रहे हैं रहमान? यही मौका है इस मुसीबत से जान छुड़ाने का। उठाएं इस बच्ची को और जाके दे आए किसी को भी। बहुत देखभाल कर ली रूमी ने इसकी। अरे इतनी खुदगर्ज मत बनो नायला। होना पड़ता है, बेटी की माँ को खुदगर्ज होना पड़ता है। ये मासूम भी तो किसी की बेटी है, जरा सोचो कहाँ लेके जाऊं मैं इसे, किसके हवाले करूँ, कौन रखेगा इसे। इतनी बेरहम मत बनो नायला। माना कि हम सब रूमी के लिए परेशान हैं, लेकिन जज्बात में आकर इस मासूम को किसी ऐरे गहरे के हवाले तो नहीं किया जा सकता ना। तो क्या करें हम इसका? आपको पता है सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दे के गई है शगुफ्ता। अगर इस बच्ची को इस घर से रवाना नहीं किया तो सुद्दस और असद के रिश्ते में दरार कर सकती है। जज्बाती होकर शगुफ्ता कोई भी कदम उठा सकती है, सारे खानदान में हमारी बदनामी हो सकती है। रहमान, खुदा के लिए कुछ सोचें। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता, मुझे खुदा पर भरोसा है, वो कोई ना कोई राह जरूर निकालेगा। हाँ, और नहीं तो क्या। मैं भी खुले लफ्जों में धमकी देकर आई हूँ कि एक हफ्ते तक उस लावारिस बच्ची को घर से निकाल बाहर नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ अम्मी, एक ही जितना अच्छा मौका मिला था रिश्ता खत्म करने का, वो भी जाया कर दिया आपने। ये क्या कह रही हैं बाजी आप? आप होश में तो हैं? हम वहाँ रिश्ता खत्म करने नहीं बल्कि रूमी को समझाने गए थे। तुम समझा लो, समझ जाएगी वो तुम्हारी बात। अरे पूरे खानदान में वो हमारी नाक कटाती फिर रही है, कम से कम तुम तो समझो कामिल। वैसे समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि ऐसी नेकी करने का क्या फायदा जिसे हर ऐरे गहरे को बातें बनाने का मौका मिल जाए। जोया, तुम तो अपना मुंह बंद रखो। बाजी, आपको रूमी से चाहे जितने भी एतराज, लेकिन मैं रूमी से मोहब्बत करता हूँ। माना कि रूमी ने बच्ची को घर में रख के गलती की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिश्ता सिरे से खत्म कर दिया जाए। अरे अरे देखा, देखे आपने इसके तेवर? अम्मी, इसके तेवर तो देखे। अरे रूमी के बारे में जरा सी बुराई क्या कर दो, ये तो मुंह फाड़ के खाने को पड़ता है। अरे जोरू के गुलाम हो क्या अभी से? तुम तो कामल को कोसना बंद कर दो। वैसे इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो ठीक ही कह रहा था। हम वहाँ रूमी का रिश्ता खत्म करने नहीं गए थे, उसके घर वालों को चरम मुहैया दिलाने गए थे। और तुम अपना मुँह मोबाइल में ठोसे रखना और टोर खाना लगाओ। अम्मी ये बातें आप बाजी को भी तो कह सकती हैं। सारी औलाद ही निकम्मी है मेरी, और बहू मिली वो भी खिलाड़ी, मेरे तो नसीब ही खराब। बहादुर बेटियां रोया नहीं करती, रोना बंद करो और संभालो इसे। नहीं बाबा, इस छोटी सी नेकी की वजह से आप लोगों को मजीद परेशान नहीं कर सकती। और नहीं हूँ मैं बहादुर, नहीं है मुझ में बर्दाश्त। लोग तरह तरह के ताने देते हैं मुझे। तुम भी अपनी माँ की तरह खुदगर्ज होकर सोच रही? बात खुदगर्ज होने की नहीं है बाबा, अब तो सब मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं। हद होती है, जब मैं क्रिकेट खेलती थी तो कहते थे कि ये बेशर्म है, बेहुदा है। और अब तुम्हें हमेशा समझाया है, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो।
हमेशा वो सोचो जो तुम्हारा दिल कहता है। और जब मुझे अपनी बेटी पर यकीन है तो मैं लोगों की बातों पर अपना दिल छोटा क्यों करूं? बाकी बाबा तुमको मुझ पर यकीन है? हाँ, ये गैर शादीशुदा लड़की होकर जो जिम्मेदारी तुमने उठाई है उसकी मिसाल इस माशरे में मिलना नामुमकिन है। और मुझे फख्र कि ये मिसाल मेरी बेटी ने कायम की है। जरा सी रुकावटें आ गई हैं तो इस जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़ो बेटा। जरा सोचो, अगर हमने भी इसे सड़क पर फेंक दिया तो हमने और इसके माँ बाप में क्या फर्क रह जाएगा? संभालो इसे।